परेशान नजर आ रहे हैं, विवान जी वहीं बैठे हुए और कुछ विवान को उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ हाथ में चिट्ठी भी है नजर आ रही, क्या था? विवान अभी इस वक्त कुछ चोट के कारण बेहोश है, यानी कि कोमा में है एक्चुअली वो, तो कोई चीज़ उससे बात की नहीं जा रही है उससे, बट एक चिट मिलती है जिसमें उसने लिखा है कि चकोर को बचा लो, मे बी विवान नोज की कुछ प्रॉब्लम है या क्या है। तो उस टाइम पे एक तो ये खुशी है उसे कि विवान ने आंखें खोली हैं, और बाद में उसने जो ये नोट दिया है उसका वो मतलब जानना चाह रहा है बट वो नहीं बता पा रहा है। तो सूरज बहुत इस वक्त प्रॉब्लम में है, मतलब परेशान है कि कैसे पता लगाएगा। उतने में इमली आके बता देती है उसे कि ऐसा कुछ नहीं है अभी, वो तो उनको खुद किसी चीज़ का होश नहीं है, तो फिर वो क्या लिखा है क्या है वो सब बेमानी है। मतलब इमली ने जैसे एक तरफ से बात डाली लेकिन दूसरी तरफ वो खुद एक घबराई भी इसी कि ये मतलब कैसे सूरज। हाँ, उसके दिल में अगर कुछ गलत है, उसने कुछ गलत काम किए हैं, तो शायद वो डर गई है कि विवान ने आंखें तो खोल ली हैं, अभी लिखना भी शुरू कर दिया है, तो कहीं वो बता ना दे कि क्या हुआ है। सूरज के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है कि सडनली चकोर भी गायब हो गई है और विवान की भी हालत ऐसी, तो अब क्या सोल्यूशन? हाँ, वो बहुत डिस्टर्ब है, चकोर चली गई है, दूसरी जगह इनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो यही सोच रहा था, एक सीन भी गया था कि सब बुरी खबरें ही आ रही हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑल दैट, सो ही इज़ डिस्टर्ब, ही कैन नॉट थिंक राइट नाउ।